बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की तरफ चलते हैं, चेक करते हैं आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में फॉरेनर्स और लोकल्स की बाइंग सेलिंग की क्या पोजीशन रही है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स, थैंक यू। फॉरेनर्स ने जो है वो आज काफी हैवी सेलिंग की है। 10.82 मिलियन यूएस डॉलर की नेट सेलिंग देखी गई है। ग्रॉस बाइंग 12.71 मिलियन यूएस डॉलर, जबकि ग्रॉस सेलिंग 23.53 मिलियन यूएस डॉलर की है। फॉरेन कॉरपोरेट्स की मेनली सेलिंग है 11.10 मिलियन यूएस डॉलर की। ओवरसीज पाकिस्तानीज ने 0.27 मिलियन की बाइंग की है, जबकि फॉरेन इंडिविजुअल ने भी 0.01 मिलियन यूएस डॉलर की नेट बाइंग की है। लोकल्स की बात करें तो आज तकरीबन सारे ही पार्टिसिपेंट ही बाइंग साइड पे थे। जो सेलिंग की गई है फॉरेनर्स की उसको ऑब्जर्व किया है। इंडिविजुअल ने सबसे ज़्यादा 3.55 मिलियन यूएस डॉलर की नेट बाइंग की है। दूसरे नंबर पर बैंक्स ऑफ लीग DFI रहे हैं 3.08। म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनीज ने भी 1.33 मिलियन यूएस डॉलर की नेट बाइंग की है। ब्रोकर्स ने 0.96, कंपनीज ने 0.63, जबकि अदर ऑर्गेनाइजेशन ने भी 0.02 मिलियन यूएस डॉलर की नेट बाइंग की है। सेलिंग जो है वो NBFC की जानब से थोड़ी सी हुई है 0.08 मिलियन यूएस डॉलर। सेक्टर वाइज बात करें तो सीमेंट सेक्टर में जो है वो फॉरेनर्स ने सेलिंग की है। लोकल में से इंडिविजुअल सेलर थे 1.04 मिलियन यूएस डॉलर के साथ। कंपनीज ने बाई किया है, ब्रोकर्स और इंश्योरेंस ने बाइंग की है। फर्टिलाइजर सेक्टर में फॉरनर्स ने जो है वो सेलिंग की है। 2.04 मिलियन यूएस डॉलर की नेट सेलिंग है फॉरेन कॉरपोरेट्स की जाने पे। बाइंग जो है वो इंडिविजुअल ने 1.18 और म्यूचुअल फंड ने 1.49 मिलियन यूएस डॉलर की नेट बाइंग की है। सेलिंग जो है वो इंश्योरेंस की जाने पे हुई है। पावर सेक्टर में भी 1.29 मिलियन यूएस डॉलर की नेट सेलिंग की है फॉरेन कॉरपोरेट्स ने। लोकल्स की बात करें तो इंडिविजुअल ने सबसे ज़्यादा बाइंग की है 0.81, उसके अलावा बैंक्स ने भी बाइंग की है। सेलिंग जो है वो ब्रोकर्स की जानब से हुई है। बैंकिंग सेक्टर में फॉरेनर्स ने जो है वो 2.72 मिलियन यूएस डॉलर की नेट सेलिंग की है। लोकल्स की अगर बात करें तो इंश्योरेंस जो थे वो बायर थे 1.99 मिलियन यूएस डॉलर के साथ, और इंडिविजुअल ने 1.27 मिलियन यूएस डॉलर की नेट बाइंग की है। सेलिंग जो है वो कंपनीज की जानब से हुई है। अदर सेक्टर्स में फॉरेनर्स ने जो है वो सेलिंग की है 1.53 मिलियन यूएस डॉलर, जबकि लोकल्स की अगर बात करें तो इंडिविजुअल सेलर था, म्यूचुअल फंड ने सेलिंग की है। बाइंग जो है वो बैंक्स ऑफ लीग DFI ने की है 1.26 मिलियन यूएस डॉलर। टेक्नोलॉजी सेक्टर में फॉरेनर्स ने जो है वो सेलिंग की है। फॉरेन कॉरपोरेट्स ने जो है वो बाइंग की है 0.11, जबकि ओवरसीज पाकिस्तानीज ने 0.88 मिलियन यूएस डॉलर की नेट सेलिंग की है। लोकल्स की अगर बात करें तो बैंक्स ने जो है वो बाइंग की है, और म्यूचुअल फंड सबसे ज़्यादा बाइंग की है 0.94 मिलियन यूएस डॉलर के साथ। टेक्सटाइल सेक्टर में भी फॉरेनर्स ने सेल की है। लोकल में से इंडिविजुअल ने बाइंग की है, बैंक्स ने बाइंग की है। सेलिंग जो है वो म्यूचुअल फंड और ब्रोकर्स की जानब से हुई है। ENP सेक्टर में 2.21 मिलियन यूएस डॉलर की नेट सेलिंग की है फॉरेन कॉरपोरेट्स ने। लोकल्स की बात करें तो इंडिविजुअल ने 1.22 मिलियन यूएस डॉलर, जबकि बैंक्स ने 0.46 मिलियन की बाइंग की है। सेलिंग जो है वो म्यूचुअल फंड की जानब से हुई है। ONC सेक्टर में भी फॉरेनर्स ने सेल की है। लोकल्स की बात करें तो इंडिविजुअल बायर था, और साथ में ब्रोकर्स ने भी बाइंग की है। सेलिंग जो है वो कंपनीज की जानब से हुई है। तो ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का डेटा था आज का।